दोस्तों, ये कहानी लेबनीज अमेरिकन पोएट खलील जिब्रान जी की राइटिंग में से अडेप्ट की है मैंने। इट इज बेस्ड इन द मिडल ईस्ट। कहा जाता है हजारों साल पहले एक राज्य था, बड़ा खुशहाल राज्य, जिसका राजा बहुत अच्छा था और लोग प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। राजा और वजीर जो इस राज्य के थे, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स और हर जगह खुशहाली थी, सब लोग खुश थे। राजे को काफ़ी प्यार भी करते थे और उससे डरते भी थे। एंड आई थिंक देर इज नॉट अ बेटर पोजिशन फॉर अ लीडर टू बी इन। लीडर के लिए सबसे अच्छी पोजिशन यही होती है जब लोग उससे थोड़ा डरें भी और उससे प्रेम भी करें। दिस वॉज अ पिक्चर परफेक्ट किंगडम। और दोस्तों, शायद आप इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे, जो लोग अपनी जिंदगी में खुद खुश नहीं होते, उनसे दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो कहानी में कहा जाता है कि उसी राज्य में से एक जादू टोना करने वाली एक औरत गुजर रही थी, एक विच गुजर रही थी, जिससे इस देश की खुशहाली देखकर बर्दाश्त नहीं हुई कि यहां तो सभी खुश हैं, सिर्फ मैं ही अकेली एक परेशान हूं। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस देश के लोगों की खुशहाली भी भंग हो। उसने रात को जादू टोना करके, ये छोटा सा राज्य था और इस राज्य में केवल एक ही कुआं था जिससे सारे लोग पानी निकाल के पिया करते थे। रात को उसने जादू टोना करके कोई ऐसी चीज पानी में डाल दी कि सुबह उठकर उस कुएं से जो भी पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। जहन में रखिएगा, इससे पहले राजा की बहुत प्रशंसा हुआ करती थी, प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। सुबह उठे, जैसे ही लोगों ने इस कुएं से पानी भर के पीना शुरू किया, तो जो उसका जादू टोना इफेक्ट उसका शुरू हो गया और एक एक करके उस राज्य के सभी लोग पागल हो गए। और राजा और वजीर नवाब लोग थे, लेट उठा करते थे, इन्होंने अभी तक वो पानी नहीं पिया। उस दोपहर बाजार में और इधर नुक्कड़ में हर जगह बातचीत होना शुरू हो गई, लोग भड़कना शुरू हो गए। आपको पता है हमारा राजा कितना पागल आदमी है, कितना गलत आदमी है, हमारे साथ कितना गलत हो रहा है, इस राजे को मार देना चाहिए, इसको तख्त से सिंहासन से उतारना चाहिए। राजा और वजीर को जैसे ये खबर पहुंची, बड़ा हैरान परेशान हो गया कि कल तक तो प्रजा हमसे इतना प्रेम करती थी और भयभीत भी थी, और आज एकदम से ये कैसे हो गया। पर राजा बड़ा सयाना आदमी था, उसको पता था क्या हो रहा है। उसने अपने एक नौकर को भेजा और कहा, जाओ उस कुएं से दो गिलास पानी लेकर आओ। और अब एक गिलास पानी राजे ने पिया और एक गिलास पानी वजीर ने पिया। उस शाम दोस्तों, उस शाम उस राज्य में बहुत जश्न मनाया लोगों ने, और ऊपर वाले का शुक्र गुजार हुए, ऊपर वाले को शुक्रिया बोला कि धन्यवाद, थैंक यू, हमारा राजा और वजीर फिर से नॉर्मल हो गए हैं। दोस्तों, राजा और वजीर नॉर्मल नहीं हुए, पागल प्रजा में अब राजा और वजीर भी पागल बन चुके हैं। ये कहानी मैं मानता हूं हर एज ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, पर स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि मेरा मानना है अगर हमें दो स्किल्स डेवलप करनी है लाइफ में सक्सीड करने के लिए और अपनी सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, दे आर क्रिटिकल थिंकिंग नंबर वन, क्रिटिकल थिंकिंग नंबर टू, लर्निंग टू मेक योर ओन कंक्लूजन्स। आप दी गई चीज पे यकीन ना करें, दी गई न्यूज के ऊपर यकीन ना करें, फोटोशॉप्ड इमेज के ऊपर आप भड़कें मत। हमारे देश में आज भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां एक गलत तस्वीर, एक फेक फोटोग्राफ, एक फोटोशॉप्ड इमेज से दंगे हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि हम अपना दिया गया सबसे कीमती गिफ्ट, अपना ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन नहीं यूज कर रहे हैं। व्हाटएवर इंफॉर्मेशन जो हमें प्रेजेंट की गई है, उसे हम सच मानकर उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड लर्निंग टू मेक योर ओन कंक्लूजन्स, अगर ये दो चीजें नहीं डेवेलप होती तो हम भीड़ चाल में फंस जाते हैं, और भेड़ चाल में शामिल होना, उसका जो नतीजा है काफी खतरनाक होता है। हिटलर के रूल में, नाजी जर्मनी के बाद जब हिटलर का रूल खत्म हुआ, तो सिटीजन्स को इंटरव्यू किया गया और पूछा, आपको पता था कितना कुछ गलत हो रहा है, आपको पता था यहूदियों के साथ, ज्यूज के साथ क्या क्या हो रहा है, आप में से कोई कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोले आप? और जर्मन कॉमन सिटीजन्स का आंसर यह था, मुझे पता था क्या हो रहा है, मैं बोलना भी चाहता था, पर मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि कोई और भी नहीं बोल रहा था।
सब चुप थे, इसलिए मैं भी चुप था। साइकोलॉजी में इसे बायस्टैंडर सिंड्रोम कहा जाता है। बायस्टैंडर, आप देखेंगे सड़क पर किसी हादसे में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दीज पीपल आर बायस्टैंडर्स, दे जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड एंड वॉच। उनमें से एक आदमी, एक व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उस समय उनकी हेल्प करे। डोंट बी अ बायस्टैंडर, टेक एक्शन, जंप इन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न टू डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल्सो लर्न टू डेवलप योर ओन कंक्लूजन्स। दीज टू स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। दोस्तों, एक गलत बात को 100 बार दोहराने से भी वो गलत बात सही नहीं होती, और सच बोलने वाला चाहे अकेला ही क्यों ना हो, सच फिर भी सच ही रहता है। आशा है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। इफ यस, प्लीज डू शेयर इट विद अदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।